आज मैं आपको मसाला तिकोना आलू पराठा बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास सब्जी नहीं है, सब्जी आपको खाने का मन नहीं है, तो आप उसको बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ मैंने लिया है 3 बड़े आलू उबले हुए। इसको अच्छी तरह से हम कद्दूकस की मदद से मैश कर लेते हैं और उसे साइड में रख देते हैं। तो एक लेते हैं पतीला, उसमें लेते हैं 2 कटोरी आटा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि मैश किया हुआ अजवाइन 2 चम्मच है, और भुना हुआ जीरा पाउडर, मैगी मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी धनिया। इसमें हम दोनों नमक डाले हैं, काला नमक और सादा नमक दोनों, तो 1/2 चम्मच मैंने दोनों डाला है। 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अभी इन सबको डालने के बाद जो हमने उबला हुआ आलू मैश करके रखा था उसको डाल देंगे। पहले अपने आटे को सूखा ही गूंथ लेंगे, बिना पानी डाले आलू को मिक्स कर लेंगे। ये आलू भर के पराठा नहीं बन रहा है, ये आलू डाल करके हम पराठा बना रहे हैं बहुत आसान तरीके से। ये आपके पास सब्जी नहीं है या सब्जी खाने का मन नहीं है तो आप बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अपने आटे को अच्छी तरह से हम गूंथ लेंगे। एक साथ ही ढेर सारा पानी नहीं डालेंगे, कभी कभी हमारा आटा गीला हो जाता है। तो हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हमारा 10 मिनट हो चुका है, तो खोल के देखते हैं, हमारा आटा जो है सॉफ्ट हो चुका है। पराठा बनाने के लिए हम अपने थोड़े से आटे को लेकर के छोटा छोटा पेड़ा बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें तिकोना पराठा पतला पतला बनाना है। अगर आप तिकोना नहीं बना पा रहे हैं तो आप रोटी की तरह बना करके तवे पे तेल लगा के सेक सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बन जाता है ये पराठा। तो ये जो रेसिपी है मम्मी मुझे बनाना बता रही हैं। तो अपने रोटी को हम बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके। तुम्हारी जो रोटी है वो बड़ी बन चुकी है। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसमें हम तेल लगा लेंगे, फिर अपने रोटी को फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम तेल लगा करके अपना जो पराठा है उसे तिकोने शेप में कर लेंगे। ट्रायंगल शेप में आ जाएगा हमारा। और सूखा आटा लगा करके फिर हम रोटी को अपने पराठे को बना लेंगे। तो इससे हमारा जो तिकोना शेप बहुत अच्छे से आ जाता है और पराठा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से सभी पराठे को हम बना लेते हैं एक एक करके तिकोने शेप में। इसमें बिल्कुल आपको आलू नहीं भरना है, उसमें आलू डाल के बना रहे हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बन रहा है, बिल्कुल फट भी नहीं रहा है। तो मैंने लिया है तवा, तवा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम रख देते हैं अपने पराठे को और दोनों तरफ अच्छे से सेक करके थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं। इसमें ज़्यादा तेल का भी यूज नहीं होता, बहुत कम तेल का यूज होता है। हमारा पराठा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, मसाला आलू तिकोना पराठा। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको सब्जी नहीं है, आपको सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो आप इसको बनाएं, खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइएगा ज़रूर आपको ये पराठा कैसा लगा। आप ये पराठा श्रीखंड के साथ खाएं, नहीं तो दही के साथ खाएं, आपको जिसके साथ पसंद हो उसके साथ खाएं, नहीं तो अचार चटनी आपको जिस पसंद हो आप इसको सादा भी खा सकते हैं। इसमें नमक डाला रहता है, अचार डाल करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। तो आप बनाएं और खाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सीखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मम्मी की रसोई ऑफिशियल से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।